कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मचावो धमाल, काम पर ले थसरे टेंशन, अरे काम पर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे टॉप एमसीक्यू सीरीज में। कल तक हमने देखा था कि गांधी जी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा कैसी रही, साथ ही असहयोग आंदोलन के लिए छत्तीसगढ़ में किन किन स्थानों पर क्या क्या कार्य किए गए थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारे चर्चा का विषय है वह है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं छत्तीसगढ़ का क्या पार्ट टू। इस पर क्या करेंगे, हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें 1922 तक की घटनाओं को हमने कल तक पढ़ लिया था। आज हम 1923 में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत से कौन कौन सी घटनाएं प्रारंभ हो रही है, इन सब पर क्या करेंगे, एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, साथ ही उसका क्या करेंगे, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपको, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी, छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख नेता कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है। जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं। लगा लिया आपने आंसर, चलिए क्या करते हैं हम, तो थोड़ा स्वराज पार्टी के बैकग्राउंड पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, स्वराज पार्टी के बैकग्राउंड पर चर्चा कर लेते हैं। क्या जानना है हमको, तो हमको पता है कि गांधी जी के द्वारा 1920-21 में क्या शुरू किया गया, एक आंदोलन शुरू किया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो असहयोग आंदोलन कहते हैं। असहयोग आंदोलन की जो समाप्ति है ये हमको पता है 5 फरवरी 1922 को होती है। 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है जिसका नाम क्या रहता है, तो चौरा चौरी कांड। कहां पर, तो गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जगह है चौरा चौरी, जहां पर क्या होती है, एक हिंसक घटना होती है जिसमें पुलिस वाले को, ठीक है, जो वहां के आंदोलनकारी रहते हैं वो क्या करते हैं, पुलिस थाने में आग लगा देते हैं और उस पुलिस थाने में आग के कारण वहां पर 21 पुलिसकर्मी जलकर खत्म हो जाते हैं, ठीक है, शहीद हो जाते हैं, जिसके कारण महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया जाता है, 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। क्लियर है, जिसके उपरांत, ठीक है, यहीं से हमको क्या चीज को कनेक्ट करना है, तो स्वराज दल को कनेक्ट करना है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति एवं गांधी जी की धूल मूल प्रतिक्रिया के कारण, ठीक है, किसके कारण, तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति एवं गांधी जी की धूल मूल प्रतिक्रिया के कारण क्या किया जाता है, तो स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। ठीक है, कौन से पार्टी का गठन किया जाता है, तो स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, क्या किया जाता है, तो स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। देखते हैं, स्वराज पार्टी जो है, ठीक है, इसके गठन का समय क्या है, कब गठित हुआ, तो स्वराज पार्टी गठित हुआ 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, कब गठित हुआ, तो स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को क्या हुआ, गठित हुआ। ठीक, स्वराज पार्टी के अंतर्गत इसके प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे चितरंजन दास। ठीक है, कौन थे, तो चितरंजन दास जी क्या थे, सी आर दास जी क्या थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। साथ ही स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे, तो स्वराज पार्टी के सचिव के रूप में हम जानते हैं मोतीलाल नेहरू जी को। ठीक है, किसको जानते हैं, तो मोतीलाल नेहरू जी को क्या जानते हैं, हम स्वराज पार्टी के सचिव के रूप में जानते हैं जब स्वराज पार्टी गठित हुआ। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जो स्वराज पार्टी है इसके लिए हम देखते हैं एक आईएनसी की बैठक। ठीक, क्या
आईएनसी की बैठक, मतलब स्वराज पार्टी का जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, इसके ऊपर जब हम चर्चा करें तो आईएनसी की एक बैठक होती है कब, तो दिसंबर 1922 में। ठीक है, कब होती है, दिसंबर 1922 में आईएनसी की एक बैठक होती है। कहां पर, तो आप बताएंगे गया बिहार में। ठीक है, क्या होता है, गया बिहार में आईएनसी की क्या होती है, एक बैठक होती है। ठीक, कहां पर हो रहा है, तो गया बिहार में आईएनसी की एक बैठक होती है, जिस बैठक के अंतर्गत अध्यक्ष, ठीक है, जिस बैठक में क्या रहते हैं, अध्यक्ष की हम बात करें, कौन थे इसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे सी आर दास। ठीक है, कौन थे, इस गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहते हैं, सी आर दास। ठीक है, इस अधिवेशन में दो विचारधारा सामने आती है। ठीक है, क्या होती है, दो विचारधारा सामने आती है, एक रहती है अपरिवर्तनवादी विचारधारा। ठीक है, कौन सी विचारधारा, तो अपरिवर्तनवादी विचारधारा, अपरिवर्तनवादी विचारधारा, और दूसरा रहता है परिवर्तनवादी विचारधारा। ठीक है, क्या, परिवर्तनवादी विचारधारा। तो जो इस अधिवेशन के अंतर्गत अपरिवर्तनवादी विचारधारा के जो प्रणेता रहते हैं वो सी राजगोपालाचारी रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं, सी राजगोपालाचारी। ठीक, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी क्या रहते हैं, तो इस अपरिवर्तनवादी विचारधारा के क्या रहते हैं ये, तो ये एक प्रणेता रहते हैं। और इनकी मांग क्या रहती है, तो इनकी मांग रहती है कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश शासन के साथ विधानमंडल में प्रवेश करेंगे, ब्रिटिश शासन के साथ विधान मंडल में प्रवेश, ब्रिटिश शासन के साथ विधानमंडल में प्रवेश करेंगे, ऐसी मांग रहती है किसकी, तो सी राजगोपालाचारी की। ठीक है, अब जो परिवर्तनवादी विचारधारा, इसके जो प्रणेता रहते हैं वो कौन रहते हैं, सी आर दास, चितरंजन दास जी। ये क्या कहते हैं, ये इस विचारधारा का विरोध करते हैं। ठीक है, कौन सी विचारधारा का, जो सी राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश शासन के साथ चलेंगे, उनके साथ विधानमंडल में प्रवेश करेंगे, और ऐसा करते हुए आगे चलकर हम क्या प्राप्त कर लेंगे, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कथन रहता है किसका, सी राजगोपालाचारी का। इनका कहना रहता है कि आजादी हमको भीख में नहीं मिल सकती, आजादी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर हम ब्रिटिश शासन का साथ देते रहेंगे तो हमारी जो आजादी है वो क्या होगी, हमसे और दूर चली जाएगी। इस कारण सी आर दास जी क्या करते हैं, इस चीज का विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं, तो अपरिवर्तनवादी विचारधारा वालों का विरोध करते हैं, और अपने विरोध के फल स्वरूप ही जो सी आर दास रहते हैं ये क्या करते हैं, तो स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है, कब हुआ स्वराज पार्टी की स्थापना, तो अभी हमने देखा स्वराज पार्टी की स्थापना कब, तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। अध्यक्ष कौन बनते हैं, चितरंजन दास या सी आर दास, और इसके प्रथम सचिव कौन रहते हैं, मोतीलाल नेहरू जी इसके प्रथम सचिव रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, मोतीलाल नेहरू जी इसके प्रथम सचिव रहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, समझ आ गया यहां तक। अब देखें, जो स्वराज पार्टी है वो गठित हो गई। अब स्वराज पार्टी के गठन के उपरांत छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कहां, छत्तीसगढ़ में इनको, मतलब स्वराज पार्टी को किसने किसने समर्थन दिया, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रायपुर से, ठीक है, कहां से, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल ने क्या किया, तो स्वराज पार्टी को समर्थन दिया। इसके साथ शिवदास डागा, ठीक है, कौन, तो शिवदास डागा जी ने भी क्या किया, स्वराज पार्टी को समर्थन दिया। बिलासपुर से बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, इसके अलावा ई राघवेंद्र राव इनने क्या किया, तो स्वराज पार्टी को समर्थन दिया। दुर्ग से घनश्याम
सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी ने क्या किया था, तो स्वराज पार्टी को समर्थन दिया था। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। क्लियर है, समझ में आ गया? ये सारे क्या हैं? तो प्रमुख व्यक्तित्व हैं किसके? तो स्वराज पार्टी के छत्तीसगढ़ में। ठीक है, किसके? तो स्वराज पार्टी के छत्तीसगढ़ में क्या है, तो स्वराज पार्टी के छत्तीसगढ़ में प्रमुख समर्थक है कौन कौन? तो ये सारे व्यक्ति क्या है, स्वराज पार्टी के प्रमुख समर्थक है। कहां पर? तो छत्तीसगढ़ में। क्लियर है, समझ में आ गया? अब पूछा क्या गया है हमको क्वेश्चन, तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख कार्यकर्ता कौन है किसके? स्वराज्य दल के लोचन प्रसाद पांडे, छेदीलाल, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल की ई राघवेंद्र राव। तो इसमें ई राघवेंद्र राव को क्या माना गया है, तो छत्तीसगढ़ में स्वराज्य दल का प्रमुख कार्यकर्ता माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है? प्रमुख कार्यकर्ता माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि नवंबर 1923 में मध्य प्रांत में क्या होता है, प्रांतीय विधानसभा चुनाव होता है। ठीक, क्या होता है? मध्य प्रांत में प्रांतीय विधानसभा चुनाव होता है, जिसमें स्वराज्य पार्टी को कुल 70 में से 42 सीटों पर विजय प्राप्त होती है। ठीक है, क्या होती है? कुल 70 में से 42 सीटों पर विजय प्राप्त होती है। ठीक, अब जब विजय प्राप्त हो जाती है किनको? स्वराज पार्टी को। इसके उपरांत जो मध्य प्रांत के गवर्नर रहते हैं वो क्या करते हैं, मध्य प्रांत के गवर्नर जो डॉक्टर मुंजे रहते हैं, ठीक, कौन? डॉक्टर मुंजे को सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं। लेकिन डॉक्टर मुंजे मध्य प्रांत के गवर्नर के इस निवेदन को क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। जिसके उपरांत जो मध्य प्रांत के गवर्नर रहते हैं वो क्या करते हैं, तो मध्य प्रांत के गवर्नर अल्पमत की सरकार बनाकर कार्य प्रारंभ करते हैं। इस अल्पमत की सरकार पर 1924 में, ठीक है, कब? 1924 में ई राघवेंद्र राव ने क्या किया था, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया था। और अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था ई राघवेंद्र राव के द्वारा, वह 44 मतों से पारित भी हुआ था। ठीक है, कितने मतों से पारित हुआ था, तो 44 मतों से पारित हुआ था। क्लियर है। इसके उपरांत हम देखेंगे 1925 के अंतर्गत क्या हो जाती है, तो सी आर दास जी की मृत्यु हो जाती है, फिर स्वराज पार्टी जो है क्या होती है, भंग हो जाती है। और 1926 में स्वराज पार्टी के भंग होने के उपरांत जो ई राघवेंद्र राव थे, इन्होंने स्वतंत्र दल का गठन किया था। ठीक है, क्या किया था? स्वतंत्र दल का गठन किया था। किसने किया था? तो ई राघवेंद्र राव ने स्वतंत्र दल का गठन किया था। किसके उपरांत? तो छत्तीसगढ़ में या भारत के अंतर्गत स्वराज पार्टी के भंग होने के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रांत की विधान परिषद में 1924 से 1926 तक छत्तीसगढ़ से निर्वाचित स्वराज दल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, 1924 से 1926 तक में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित स्वराज दल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? जल्दी से आप अपना आंसर बताएं। लगा लिया आपने आंसर? क्या लगाया है? ई राघवेंद्र राव, रविशंकर की, घनश्याम सिंह गुप्त की, सभी। तो इसमें 1924 से 26 तक छत्तीसगढ़ में निर्वाचित सदस्यों में स्वराज दल के जो सदस्य थे, ये सभी क्या थे, स्वराज दल के निर्वाचित सदस्य थे। कहां पर? तो 1924 से 26 तक छत्तीसगढ़ में निर्वाचित विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, कौन कौन? तो ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल और घनश्याम सिंह गुप्त। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला, इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ था? इस राज्य की बात की जाती थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो झंडा सत्याग्रह था क्या, तो जबलपुर, वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत जबलपुर में क्या हुआ था, एक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो झंडा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? झंडा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गया? ठीक है, किस नाम से जान रहे हैं? झंडा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों हुआ था? तो इस झंडा सत्याग्रह का उद्देश्य था कि चरखे युक्त तिरंगे झंडे को, ठीक है, किसको? चरखे युक्त तिरंगे झंडे को, चरखे युक्त तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में महत्व दिलाना, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में महत्व दिलाना,
राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में महत्व दिलाना, ये क्या था? तो इस झंडा सत्याग्रह का उद्देश्य था, ठीक है? क्या था? झंडा सत्याग्रह का उद्देश्य था, ठीक है? क्या किया गया था? तो प्रारंभ कहां से हुआ? जबलपुर से झंडा सत्याग्रह। उद्देश्य क्या? तो चरखे युक्त तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता दिलाना, ठीक है? कारण क्या रहता है इसका? तो 18 मार्च, ठीक है, कब? 18 मार्च 1923 को जबलपुर के टाउन हॉल में क्या किया गया? तो चरखा युक्त तिरंगा झंडा फहराया गया था, ठीक है? जो रायपुर के, जो उस समय डिप्टी कमिश्नर रहते हैं, रायपुर के नहीं, जबलपुर के अंतर्गत जो डिप्टी कमिश्नर रहते हैं, वो क्या करते हैं? इस तिरंगे झंडे को नीचे उतारने का आदेश देते हैं, ठीक? परंतु जिस पुलिस वाले को क्या दिया जाता है? आदेश दिया जाता है, वो पुलिस वाला क्या करता है? इस तिरंगे झंडे को नीचे उतारता है और उसको पैरों से कुचल देता है। यही क्या बनता है? तो यही झंडा सत्याग्रह का कारण बनता है, जिसके उपरांत सभी क्या कर रहे थे? अपने विरोध प्रदर्शन के स्वरूप शांति रूप से झंडा लेकर क्या करते थे? मार्च पास्ट करते थे। इसका प्रभाव पूरे भारत के साथ में कहां पर हुआ? तो छत्तीसगढ़ में भी हुआ, ठीक है? इसका प्रभाव कहां हुआ? तो पूरे भारत के साथ छत्तीसगढ़ में भी क्या होता है? इसका प्रभाव दिखता है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या दिखता है प्रभाव? तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बिलासपुर में 31 मार्च 1923 को बिलासपुर के टाउन हॉल में क्या किया जाता है? तो तिरंगा फहराया जाता है, ठीक है? कहां फहराया जाता है? तो बिलासपुर के टाउन हॉल में तिरंगा फहराया जाता है, ठीक? जिसमें प्रमुख नेता, ठीक, प्रमुख नेता कौन रहते हैं? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान एवं नाथूराम मोदी जी क्या रहते हैं? प्रमुख नेता इसके रहते हैं, ठीक? इसी झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय नेताओं में सरोजनी नायडू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल भी क्या होते हैं? नागपुर आते हैं, ठीक है? कहां पर आते हैं? नागपुर आते हैं। इसी को हम बोल देते हैं कि क्या आए थे? तो छत्तीसगढ़ आए थे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो मध्य प्रांत का हिस्सा था, ठीक? मध्य प्रांत का एक संभाग था, क्या आपका रायपुर? छत्तीसगढ़ क्या था? एक संभाग था, पढ़ा था हमने अभी इसके पहले वाले वीडियो में। तो मध्य प्रांत का राजधानी क्या? तो मध्य प्रांत की राजधानी थी नागपुर। तो कहां पर आए थे ये? तो ये आए थे नागपुर, ठीक है? कहां पर आए थे? नागपुर। इसलिए क्या कहा जाता है? झंडा सत्याग्रह में भाग लेने कौन से दो नेता छत्तीसगढ़ आए थे बोला जाता है? तो ध्यान दीजिएगा आप, तो सरोजनी नायडू जी, और कौन आपके? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी कहां आए थे? छत्तीसगढ़ आए थे। अभी मैंने बताया कि कहां से प्रारंभ हुआ था, तो बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था। कब? तो 31 मार्च को, ठीक है? कब? 31 मार्च को क्या किया गया था? तो बिलासपुर के टाउन हॉल में तिरंगा फहराया गया था। अगला, 1923 में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में भाग लेने छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सबसे अधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे, ठीक है? झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ में किस स्थान से सबसे अधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे? कहां के झंडा सत्याग्रह में? तो नागपुर के अंतर्गत, जिसमें कौन आए थे? तो अभी मैंने बताया, सरोजनी नायडू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए थे, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ के किस स्थान से? बिलासपुर से, धमतरी से, रायपुर से कि दुर्ग से? कहां से सर्वाधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे? तो इसका आंसर होगा आपका धमतरी, ठीक है? धमतरी से क्या हुए थे? सर्वाधिक स्वयंसेवक झंडा सत्याग्रह में भाग लेने पहुंचे थे, ठीक? अगला बोल रहा है, इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे, ठीक है? रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, रऊफ खां थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे कि पंडित रामानंद दुबे थे, ठीक है? कौन गिरफ्तार हुए थे? देखो, 1922 के अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे ही क्या खत्म होता है, असहयोग आंदोलन खत्म होता है, तो असहयोग आंदोलन के खत्म होने के उपरांत रायपुर में क्या किया जाता है? तो रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष रहते हैं यूबी घाटे, ठीक है? कौन रहते हैं? यूबी घाटे। अब इस समय जो रायपुर के अंतर्गत क्या थे, तो जिला कलेक्टर थे और रायपुर के जो पुलिस कप्तान थे, ठीक है? क्या नाम रहता है कलेक्टर का? नाम क्लार्क, और पुलिस कप्तान का नाम रहता है जोन्स। इन लोग क्या चाहते हैं? तो इन लोग इस राजनीतिक सम्मेलन के लिए, इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 5 टिकट चाहते हैं। 5 टिकट चाहते हैं, तो इनका कहना था ले लो। वो कहते हैं फ्री में दे दो, बोलते हैं फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है? कलेक्टर हो, एसपी हो, भैया
ऐसी थोड़ी ना होगे, पैसा दो तब आओ। तो उन लोग कलेक्टर और एसपी होने का क्या करते हैं, रोप झाड़ते हैं, और रोप झाड़ते हैं और जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। कहां पर? तो रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अंतर्गत। तब पंडित रविशंकर शुक्ल क्या करते हैं, उनको रोक देते हैं। और जब पंडित रविशंकर शुक्ल क्लार्क और जोन्स को रोक देते हैं, जिसके उपरांत पंडित रविशंकर शुक्ल की क्या की जाती है, गिरफ्तारी की जाती है, और गिरफ्तारी करके उनको कोतवाली जेल में रखा जाता है। ठीक, कहां रखा जाता है? तो उनको कोतवाली जेल में रखा जाता है, जिसके उपरांत रायपुर के जो युवक थे वो क्या कर लेते हैं, कोतवाली जेल का घेराव कर लेते हैं जैसे उनको पता चलता है। तो इसके उपरांत जो जोन्स और क्लार्क थे, ये फिर से क्या चाह रहे हैं वहां पर, तो जो सम्मेलन हो रहा है राजपुर के अंतर्गत, उसमें फिर से प्रवेश चाह रहे हैं, लेकिन बिना टिकट के। फिर जब प्रवेश करने की कोशिश करते रहते हैं, तो इस बार माधव राव सप्रे क्या करते हैं, इनको रोक देते हैं, जिसके उपरांत ये क्या करते हैं, 5 टिकट लेते हैं और लेकर कहां चले जाते हैं, तो 5 टिकट लेकर ये कहां चले गए, तो 5 टिकट लेकर फिर ये जाते हैं राजपुर के जो राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था उसमें भाग ये लेते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, इसी को पहले ले लेते तो इतना सब झंझट नहीं करना पड़ता। और इसके बाद जब भाग ले लेते हैं, तो भाग लेने के बाद उसके 2 दिन बाद क्या किया जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी को भी मुक्त कर दिया जाता है, जिसके उपरांत रायपुर में जो तनाव की स्थिति बन गई थी वो क्या होती है, नियंत्रित होती है। तो आंसर क्या होगा इसमें, पंडित रविशंकर शुक्ल इसका आंसर होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा की थी, नागपुर, काकीनाड़ा, रामपुर और अमरावती, किस स्थान तक पैदल यात्रा की थी कहां के लोगों ने, तो 1923 में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के लोगों ने कहां तक यात्रा की थी। जल्दी आप अपना आंसर बताएं, कहां तक यात्रा की थी, लगा लिया आंसर आपने, क्या लगाया है आंसर, तो देखिए जो कांग्रेस जन थे वो 1923 में अधिवेशन में भाग लेने के लिए काकीनाड़ा तक की पैदल यात्रा की थी। ठीक है, काकीनाड़ा कहां पर, तो आंध्र प्रदेश में, कब, तो दिसंबर 1923 में। ठीक है, कब, दिसंबर 1923 में। होता क्या है, तो दिसंबर 1923 के अंतर्गत काकीनाड़ा अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कहां पर, काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश में, जो किस उद्देश्य से हुआ रहता है, तो हरिजन उत्थान के ऊपर चर्चा करने के लिए हुआ रहता है। ठीक, किसके लिए हुआ होता है, तो हरिजन उत्थान के चर्चा हेतु हुआ रहता है। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के जो नेता थे उन्होंने नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में कहां भाग लिया था, तो काकीनाड़ा अधिवेशन में भाग लिया था। और काकीनाड़ा जाने के लिए छत्तीसगढ़ के नेताओं ने बस्तर क्षेत्र से क्या की थी, पैदल यात्रा की थी। ठीक है, कहां से, तो बस्तर क्षेत्र से होते हुए सुकमा होते हुए कहां गए थे, आंध्र प्रदेश गए थे। क्लियर है, तो कहां से पैदल यात्रा किया था, तो बस्तर क्षेत्र से इन्होंने पैदल यात्रा किया था। इस अधिवेशन में मुख्यतः छत्तीसगढ़ से रायपुर एवं धमतरी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया था, भाग लिया था। मुख्यतः कहां के नेताओं ने भाग लिया था, तो रायपुर एवं धमतरी के नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, श्याम जी सोम, गिरधारी लाल तिवारी, ये सारे लोग क्या थे, प्रमुख थे, जिन लोग कहां भाग लिए थे, तो काकीनाड़ा अधिवेशन में भाग लिया थे। जैसा कि मैंने बताया कि यह अधिवेशन क्यों हुआ था, तो हरिजन उत्थान पर चर्चा के लिए हुआ था। तो जैसे ही यह अधिवेशन समाप्त होता है, जो अधिवेशन के समाप्ति के बाद जब छत्तीसगढ़ के नेता भी क्या होते हैं, छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, और अन्य स्थानों के भी नेता अपने अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो सभी स्थानों पर क्या किया जाता है, हरिजन उत्थान के क्षेत्र में कार्य किया जाता है। ठीक है, अब जब हरिजन उत्थान के लिए कार्य किया जाते रहता है, तो क्या कार्य किया जा रहा था, तो हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दिलाना। तो इसी समय जब मंदिर प्रवेश कराया जाते रहता है धमतरी के अंतर्गत, तो धमतरी में जब मंदिर प्रवेश किया जा रहा है, तो ढोल बाजों के साथ क्या किया जा रहा था, हरिजन उत्थान के कार्य हेतु हरिजनों को मंदिर प्रवेश कराया जा रहा था। ये जो यात्रा निकल रही थी ढोल बाजे के साथ, वो एक मस्जिद के सामने से निकलते रहती है, जिसका मुस्लिम पक्ष क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि आप यहां पर क्या ना करें, तो आप यहां पर ढोल बाजे ना बजाएं, जिसके कारण दमतरी वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है, तो एक सांप्रदायिक दंगे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा क्या किया जाता है, इस स्थिति को सफलतापूर्वक संभाल लिया जाता है, दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराया जाता है। ठीक, ऐसे जो हिंदू मुस्लिम के दंगे थे, ये काकीनाड़ा अधिवेशन के उपरांत संपूर्ण भारत में फैले थे, जिसके विरोध में गांधी जी के द्वारा 21 दिनों का क्या रखा गया था, उपवास रखा गया था। ठीक है, क्या रखा गया था, उपवास रखा गया था। ठीक, ये था क्या आपका काकीनाड़ा अधिवेशन, कब का, तो 1923 का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1928 में रायपुर में स्थापित
यूथ लीग के निर्माणकर्ता में नहीं थे, यूथ लीग के निर्माणकर्ता में नहीं थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ, यति यतन लाल, वामन राव लाखे, कौन जो थे वो यूथ लीग के निर्माणकर्ता में नहीं थे? जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं इसमें। लगा लिया आंसर आपने? कितने लोगों ने वामन राव लाखे को आंसर लगाया है इसका? ठीक है, इसका आंसर वामन राव लाखे होगा। ठीक है, रायपुर है और रायपुर के अंतर्गत वामन राव लाखे का नाम नहीं है इसमें। ठीक है, रायपुर के अंतर्गत 1928 में क्या किया गया था? तो यूथ लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या की गई थी? तो यूथ लीग की स्थापना की गई थी। क्लियर है? क्या किया गया था? तो यूथ लीग की स्थापना की गई थी। इस यूथ लीग के निर्माणकर्ता में मुख्य रूप से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ, यति यतन लाल, इन्होंने क्या किया था? तो मुख्य सहायक के रूप में या मुख्य निर्माणकर्ता के रूप में क्या थे? इन तीनों का नाम था। इसमें वामन राव लाखे जी का नाम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखें। अगला, 13 अप्रैल 1930 को महाकोशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था। चूंकि वे गिरफ्तार कर लिए गए, अतः उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ। उनकी अनुपस्थिति में किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? पंडित रविशंकर शुक्ल ने, सेठ गोविंद दास ने, महंत लक्ष्मी नारायण दास ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने? किसने अध्यक्षता की थी 13 अप्रैल 1930 महाकोशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाला था, कहां पर? रायपुर में। लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण वो नहीं आ पाए। तो ये अधिवेशन कहां पर हो रहा है? तो 15 अप्रैल को हो रहा है रायपुर में ही, जिसकी अनुपस्थिति में, मतलब नेहरू जी की अनुपस्थिति में किसने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर दें। लगा लिया आपने आंसर? क्या आंसर लगाया है? तो देखिए, मैं थोड़ा सा चर्चा करना शुरू करता हूं सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। ठीक है, किस पर? सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। तो आपने अभी इंडियन हिस्ट्री में देखा होगा कि बहुत सारे क्षेत्रों पर भारत के अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है? नमक के कर में वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, नमक टैक्स बढ़ा दिया जाता है, जिसके विरोध में गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से क्या शुरू की जाती है? एक यात्रा शुरू की जाती है, जिसको हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन से, किस मार्च के नाम से जानते हैं? तो दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, जिसमें महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से लेकर कहां तक? तो दांडी तक की पैदल यात्रा करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, ठीक है, कहां पहुंचकर? तो दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। और इसी समय 6 अप्रैल 1930 से फिर कौन से आंदोलन की शुरुआत होती है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, ठीक है, किसके तहत? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो मुख्य कार्य निर्धारित थे वो क्या? नमक कानून तोड़ना, मद्यपान का बहिष्कार करना, ठीक है, दारू वारू नहीं पीना है, सब बोले थे महात्मा गांधी। फिर से बता रहा हूं भाई, ठीक है, दारू नहीं पीना है और आप लोग को बिल्कुल नहीं पीना है, समझ रहे हो? कोई ले वे के थोड़ी ना बैठा है यहाँ पे, पीना वीना नहीं है, समझ रहे हो ना? गांधी जी को फॉलो करना है, दारू वारू नहीं पीना है। ठीक है, और कका को बता सकते हो आप कि गांधी जी ने क्या बोला था? तो दारू नहीं पीना है, ना किसी को पीने देना है, उसका क्या करना है? हमको विरोध करना है। तो इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करवा सकते हैं। क्लियर है? फिर से दूसरा फैक्ट, मद्यपान का क्या करना है? निषेध करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, अस्पृश्यता का विरोध करना है। ऐसे सब क्या किए गए? तो ऐसे सब कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। किसमें? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार पूरा भारत में हुआ। ठीक है, पूरे भारत के लोगों ने इसमें भाग लिया, तो इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ? तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी हुआ। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? तो रायपुर से प्रारंभ हुआ सर्वप्रथम। ठीक है, रायपुर में क्या? सर्वप्रथम प्रारंभ, सर्वप्रथम प्रारंभ कहां पर? तो रायपुर में। ठीक है, सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। अब रायपुर में जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया? तो राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, क्या की गई? राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की घोषणा, राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की घोषणा की गई। क्लियर है? ठीक, अब राष्ट्रीय सप्ताह क्यों मना रहे थे ये? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नीति,
उसके उद्देश्य का क्या करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए क्या मनाने की घोषणा की गई, राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, अभी राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाना है, तो 6 से 13 अप्रैल तक। ठीक है, कब तक, तो 6 से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत अलग अलग दिन अलग अलग दिवस मनाने की घोषणा की गई। जैसे 6 अप्रैल को, ठीक है, कब, 6 अप्रैल को मनाया जाएगा झंडा दिवस। ठीक है, क्या कहा गया, 6 अप्रैल को झंडा दिवस, 7 अप्रैल को बहिष्कार दिवस, 7 अप्रैल को बहिष्कार दिवस, 8 अप्रैल को पिकेटिंग दिवस, पिकेटिंग दिवस कब, तो 8 अप्रैल को। इसके बाद 9 को गांधी दिवस, 9 को गांधी दिवस, 10 अप्रैल को महिला दिवस, 10 अप्रैल को महिला दिवस, 11 को गढ़वाला दिवस, गढ़वाला दिवस, और 12 को राजबंदी दिवस, 12 को राजबंदी दिवस मनाया गया। ठीक है, अब इसी में ही क्या निर्धारित किया गया था कि 13 तारीख को, ठीक है, कब, तो 13 तारीख को क्या रखेंगे हम, तो महाकौशल, महाकौशल प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, महाकौशल प्रांतीय राजनीतिक, महाकौशल प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन। ठीक है, ये जो महाकौशल प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन है ये कब होना था, तो ये होना था 13 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता है, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जानी थी, तो इसी की अध्यक्षता की जानी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या की जानी थी, तो इस महाकौशल प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की जानी थी। परंतु छत्तीसगढ़ आने के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को छियुकी स्टेशन, ठीक है, क्या आपका, तो छियुकी स्टेशन इबादतगंज उत्तर प्रदेश में क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, किनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है छत्तीसगढ़ आने के दौरान, कहां, तो छियुकी स्टेशन इबादतगंज उत्तर प्रदेश में। इसलिए जो महाकौशल प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन है वो 13 अप्रैल को ना होकर कब होती है, तो ये होती है 15 अप्रैल 1930 को। ठीक है, कब होती है, 15 अप्रैल 1930 को, जिसके अध्यक्ष होते हैं सेठ गोविंद दास। ठीक है, कौन होते हैं, तो सेठ गोविंद दास जी क्या बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं। क्लियर है, साथ ही इस सभा में क्या किया जाता है, तो इस सभा में किया जाता है नमक निर्माण। क्या किया जाता है इस सभा में किया जाता है नमक निर्माण। अब ये जो नमक निर्माण है, इसके निर्माण की विधि पूछे आपको, क्या थी विधि, कैसे बनाया गया, तो ये जो नमक निर्माण है ये किया गया था कहां पर, प्रयोगशाला में, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl प्लस सोडा को मिलाकर। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, कौन थे निर्माणकर्ता, तो निर्माणकर्ता आप बताएंगे क्या, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। पंडित रविशंकर शुक्ल जी क्या थे, तो इस नमक निर्माण के अंतर्गत प्रमुख निर्माणकर्ता थे। ठीक है, क्या थे, प्रमुख निर्माणकर्ता थे। और अगर हम बात करें किनकी, तो इनके सहयोगियों की। ठीक है, कौन कौन थे इनके सहयोगी, तो इनके सहयोगी में बताएंगे आप द्वारिका प्रसाद मिश्र जी,
द्वारिका, प्रसाद, मिश्र, ठीक, कौन पहला? पहला नाम क्या जानना है आपको? तो पहला नाम आप बताएंगे क्या? द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। दूसरा क्या? तो दूसरा आप बताएंगे महंत लक्ष्मी नारायण, महंत लक्ष्मी नारायण, ठीक। दूसरा कौन? तो दूसरा महंत लक्ष्मी नारायण। तीसरा नाम बताएंगे आप गयाचरण त्रिवेदी, गयाचरण त्रिवेदी। और चौथा नाम आप क्या बताएंगे? तो चौथा नाम आप बताएंगे खुद सेठ गोविंद दास जी, ठीक है। कौन? तो सेठ गोविंद दास जी क्या थे? तो सेठ गोविंद दास जी भी इसमें इनके सहयोगी थे। क्या? तो नमक निर्माण के अंतर्गत। क्लियर है? इतना पूरा समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, ठीक है। किसी कुछ डाउट नहीं? अब देखूं मैं क्वेश्चन अपना, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा? तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गिरफ्तार हो गए 13 तारीख को, तो 15 तारीख को जो अधिवेशन हुआ था महाकौशल का, उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अभी मैंने बताया क्या? तो सेठ गोविंद दास जी के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। अब पूरा महाकौशल प्रांतीय राजनीतिक परिषद के बारे में बोलूं आपको, चार नंबर में लिखकर मेरे दिखाओ तो लिख लोगे? मेंस में लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? आराम से लिख लोगे, ठीक है। महाकौशल प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ था किसके तहत? तो रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय सप्ताह के तहत, जिसमें 13 तारीख को जो महाकौशल प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता होनी थी, उसको अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या की जानी थी? उनकी अध्यक्षता की जानी थी। परंतु छत्तीसगढ़ आने के दौरान उनको छिउकी स्टेशन इबादतगंज उत्तर प्रदेश में क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके कारण यह सम्मेलन दो दिन बाद कब होती है? तो 15 अप्रैल 1930 को होती है, जिसकी अध्यक्षता किसकी द्वारा की जाती है? तो सेठ गोविंद दास जी के द्वारा की जाती है। इस सभा में प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? नमक निर्माण किया जाता है। कैसे? तो HCl एवं सोडा मिलाकर। निर्माणकर्ता कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और इस कार्य के लिए उनके सहयोगी कौन कौन? तो वो जो चार नाम मैंने बताया, वो चार नाम आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला, बिलासपुर में वानर सेना का निर्माता, वानर सेना के निर्माता कौन थे? दिवाकर कार्लीकर, वासुदेव देवरस, क्रांति कुमार भारती, गजाधर साव। बिलासपुर में वानर सेना के निर्माता कौन थे? तो बिलासपुर के अंतर्गत वानर सेना, दिवाकर कार्लीकर, वासुदेव देवरस, क्रांति कुमार भारती, गजाधर साव। तो हमको पता है कि बिलासपुर के अंतर्गत वानर सेना के जो निर्माता थे वो कौन थे? तो वासुदेव देवरस थे, ठीक। वानर सेना क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये एक बच्चों का संगठन था, जिसमें क्या किया जाता था? बच्चों के द्वारा पोस्टर बांटना, पर्चे बांटना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जुलूस निकालने जैसे कार्य किए जाते थे, ठीक है। किस कार्य में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लोगों की मदद के लिए, क्रांतिकारियों की मदद के लिए ये क्या करते थे? सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, ठीक है, पोस्टर एवं पर्चे बांटते थे, जुलूस निकालते थे, ठीक है, ऐसे सब कार्य किए जाते थे। और आप लोग क्या करते हो? आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील देखते हो, ठीक है। तो आप अभी फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज्यादा रील वील मत देखा करो, ठीक है, ज्यादा अपना टाइम इधर बर्बाद नहीं किया करो, ठीक है। ऑनलाइन आ रहे हो तो ऑनलाइन सिर्फ किस उद्देश्य से आना है? तो पढ़ाई के उद्देश्य से आना है, टाइम पास नहीं करना है। नहीं तो क्या कर देगा? टाइम आपको पास कर देगा, और जिस दिन टाइम आपको पास कर दिया, फिर आपके फोटो में एक हार लगेगा और सामने लिखा रहेगा लेट, ठीक है, या स्वर्गीय। क्लियर है? तो टाइम को पास नहीं करना है, नहीं तो टाइम क्या कर देगा? आपको पास कर देगा, टाइम का सदुपयोग करना है आपको। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, अगला बोल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग की गई थी? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल जो है वो कब भंग की गई थी? 6 जून 1930 को, 12 जून 1930 को, 15 अप्रैल 1930 को, कि 29 मई 1930 को? कब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल भंग की गई थी? तो इसका आंसर है आपका 12 जून 1930, ठीक है। क्या? 12 जून 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जो जिला काउंसिल है उसको क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। क्लियर, समझ में आ गया? अगला बोल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून तोड़ा? किसने 15 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा? महंत लक्ष्मी नारायण दास ने, पंडित रविशंकर शुक्ल ने, ठीक है, गोविंद दास ने, द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। किसने नमक कानून तोड़ा था? 1, 2, 3 ने तोड़ा था, 2, 3, 4 ने तोड़ा था, 1,
दो चार ने तोड़ा था कि एक दो तीन चार ने तोड़ा था, किसने क्या तोड़ा था, तो नमक का कानून को तोड़ा था, ये आपको बताना है। अभी जस्ट मैंने बताया आपको सभी नाम, ठीक है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा क्या किया गया था, नमक निर्माण किया गया था रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला में, ठीक है। महंत लक्ष्मी नारायण दास उनके सहयोगी थे, द्वारका प्रसाद मिश्र उनके सहयोगी थे, इस सभा के अध्यक्ष ही कौन थे, सेठ गोविंद दास थे, और ये भी क्या कर रहे थे, तो ये भी आपका क्या कर रहे थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल को उनकी इस कार्य में सहयोग दे रहे थे। साथ ही एक नाम और क्या, तो गया चरण त्रिवेदी जी का भी नाम याद रखना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, डी इसका आंसर होगा, क्लियर है, समझ में आ गया। अगला, छत्तीसगढ़ में नागरिक सहयोग आंदोलन के पांच पांडव में अर्जुन कौन थे, पांच पांडव में अर्जुन कौन थे, ये आपको बताना है। वामन राव लाखे, लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, शिवदास डागा, कौन थे, क्या पांच पांडव के अंतर्गत अर्जुन कौन थे, जल्दी से बताएं आप, पांच पांडव के अंतर्गत अर्जुन कौन थे, लगा लिया आंसर आपने। देखिए, पांच पांडव के अंतर्गत जो वामन राव लाखे थे ये क्या थे, तो ये युधिष्ठिर थे, ठीक है, क्या थे, युधिष्ठिर। महंत लक्ष्मी नारायण दास जो थे ये भीम थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह अर्जुन, शिवदास डागा सहदेव, और जो मौलाना अब्दुल रऊफ थे ये क्या थे, तो ये थे नकुल, क्लियर है, ये थे पांच पांडव किसमें, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, वामन राव लाखे, युधिष्ठिर, लक्ष्मी नारायण दास, भीम, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, अर्जुन, शिवदास डागा सहदेव, और मौलाना अब्दुल रऊफ क्या थे, नकुल थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठाकुर प्यारेलाल सिंह आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था, क्रांति कुमार भारती ने, रामगोपाल तिवारी ने, ई राघवेंद्र राव ने, कि बलदेव समनामी हो गया है, सतनामी है ये, ठीक है, सतनामी, बलदेव सतनामी, बलदेव सतनामी जी ने किसने क्या किया था, तो बिलासपुर के अंतर्गत जो हाई स्कूल है उसमें तिरंगा झंडा फहराया था, जल्दी अपना आंसर बताएं, लगा लिया आंसर आपने, क्या लगाया आंसर, चलिए बिलासपुर देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, तो बिलासपुर के अंतर्गत, ठीक है, कहां पर, बिलासपुर में क्या होता है, तो बिलासपुर के अंतर्गत, बिलासपुर, बिलासपुर जिला, ठीक है, क्या, तो बिलासपुर जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन, ठीक है, राजनीतिक परिषद सम्मेलन होता है, ठीक है, कब होता है, तो इसके जो बिलासपुर जिला सम्मेलन है इसका समय रहता है, ठीक, इसका समय क्या, तो 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1930, क्या रहता है, इसका समय रहता है, ठीक है, इसके नेतृत्व कौन रहते हैं, किसके नेतृत्व में होता है, तो बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी के नेतृत्व में क्या होता है, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी के नेतृत्व में बिलासपुर जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन होता है, ठीक है। स्थान कहां पर हो रहा है बिलासपुर में, तो टाउन हॉल बिलासपुर में क्या होता है, टाउन हॉल बिलासपुर में क्या किया जाता है, तो बिलासपुर जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन होता है, और इसी टाउन हॉल में फिर क्या किया जाता है, यहां तिरंगा फहराया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है, ठीक है, क्या किया गया यहां पर, तिरंगा फहराया गया, ठीक। इसके उपरांत 8 अगस्त के बाद 16 अगस्त, ठीक है, क्या आपका, तो 16 अगस्त 1930 को बिलासपुर के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल में, ठीक है, कहां पर, तो बिलासपुर के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल में, बिलासपुर के अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल में
क्रांति कुमार भारतीय जी ने क्रांति कुमार भारतीय जी ने क्या किया था तो झंडा फहराया था। कहां पर? तो शासकीय हाई स्कूल में क्रांति कुमार भारतीय जी ने झंडा फहराया था। ठीक है, क्या किया था? झंडा फहराया था। क्रांति कुमार भारती जी ने क्या किया था? झंडा फहराया गया था। इसके उपरांत बिलासपुर में ही 16 को क्या किया गया? झंडा फहराया गया। किसके द्वारा? शासकीय हाई स्कूल में क्रांति कुमार भारती जी के द्वारा। और फिर 18 से 23 अगस्त तक बिलासपुर में भी क्या किया गया था? राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? तो बिलासपुर में भी क्या किया गया था? राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था। ठीक है, कहां? तो बिलासपुर में भी राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया 18 से 23 अगस्त तक। इसके अलावा बिलासपुर के अंतर्गत शराब दुकानों पर भी धरना प्रदर्शन दिया गया था, जिसके प्रमुख नेता दिवाकर कार्लिकर जी थे। ठीक है, प्रमुख नेता कौन थे? तो दिवाकर कार्लिकर जी थे। ठीक है, प्रमुख नेता क्या? तो दिवाकर कार्लिकर। कहां पर? तो बिलासपुर में ही। इसके अलावा बिलासपुर में भी हमने क्या देखा? तो बिलासपुर में वानर सेना का गठन भी हमने देखा था। क्लियर है, समझ में आ गया? देखें क्वेश्चन, तो किसके द्वारा शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा फहराया गया? तो क्रांति कुमार भारती जी के द्वारा क्या किया गया था? शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा फहराया गया था। अगला बोल रहा है, निम्न कथनों को पढ़िए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। तीसरा, नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस हो गया, इसको पुलिस कर लेना, पुलिस ने गोली चालन किया था। ठीक है, कौन सा जो कथन है वो क्या है, सही है, ये हमको बताना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो सही है, एक तीन सही है। तो छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय क्या हुआ था? जंगल सत्याग्रह हुआ था, ये बिल्कुल सही है। अभी मैं बताऊंगा आपको 7-8 जंगल सत्याग्रहों के नाम। ठीक है, अभी पढ़ेंगे जस्ट अभी आगे। तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? जंगल सत्याग्रह हुआ था। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, गलत। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो जंगल सत्याग्रह हो रहे थे उसमें कहीं कहीं पर, जैसे कि रुद्री नवागांव जो जंगल सत्याग्रह है, इसमें पुलिस के द्वारा क्या किया गया था? गोली चालन किया गया था, जिससे रुद्री नवागांव मतलब जो धमतरी वाला क्षेत्र है वहां के स्थानीय जो नेता रहते हैं सिद्धू कुमार, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण तो नहीं था। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में क्या हुआ था? तो पुलिस ने गोली चालन किया था, ये कथन सही है। तो एक और तीन क्या है आपका? कथन सही है। एक और तीन कथन जो है वो क्या है? सही है। अगला, सूची एक छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह को सूची दो तिथि से सुमेलित कीजिए। बोल रहा है रुद्री नवागांव, महोबना, तमोरा, गट्टा सिल्ली, और ये क्या दिया है आपको? 4 डेट दिए हुए हैं, इसमें क्या करना है आपको? अपना आंसर लगाना है। जल्दी लगाएं आप अपना आंसर। लगा लिया आंसर आपने? ठीक है, क्या लगाया है आंसर? जल्दी लगाएं आंसर अपना। पहला, देखें जो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह है ये हुआ था कब? तो अगस्त 1930 में। ठीक है, कितने अगस्त आपको पूछे तो आप बताएंगे 22 अगस्त 1930 को क्या हुआ था? रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह हुआ था। कहां पर? धमतरी में। ठीक है, कहां पर हुआ था? धमतरी में, जिसके प्रमुख नेतृत्व करता कौन? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, ये क्या थे? तो इसमें प्रमुख नेतृत्व करता थे। ठीक, दूसरा देख रहे आपको महोबना, तो महोबना पोड़ी जो जंगल सत्याग्रह है ये हुआ था कब? तो जुलाई। ठीक है, कितने जुलाई? तो 24 जुलाई को क्या हुआ था आपका? तो महोबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी थे। और ये जो महोबना पोड़ी अभी कहां है? तो वर्तमान बालोद जिले के अंतर्गत है। तमोरा जंगल सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह है ये हुआ था कब? तो सितंबर 1930। कितने सितंबर? तो 9 सितंबर 1930 को क्या हुआ था आपका? तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसके प्रमुख नेता कौन? तो शंकर राव गनौद वाले, यति यतनलाल, ठीक है, बालिका दयावती जी, ये क्या थे? तो इसमें प्रमुख नेतृत्व करता थे। इसके अलावा ये तमोरा कहां पर? तो महासमुंद में। महासमुंद में 8 सितंबर को एक और जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसको हम लभरा जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जिसके प्रमुख नेतृत्व करता कौन थे? तो 8 सितंबर को जो लभरा सत्याग्रह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता अरिमर्दन गिरिजी थे। ठीक, और ये जो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह है ये जून में हुआ था। और गट्टा सिल्ली भी कहां? तो गट्टा सिल्ली भी आपका धमतरी में। ठीक है, कहां पर? तो
धमतरी में जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता आपके थे नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी। तो पहला का क्या नजर आ रहा है आपको, तीन, दूसरा का दो, तीन दो कहां पर दिख रहा है सी में, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का चार और पहले का चौथे का एक, क्लियर है आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखें, अगला, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बलिराम दुबे, कुंज बिहारी अग्निहोत्री और शोभा राम साहू, कौन थे वानर सेना के संस्थापक, जल्दी आप अपना आंसर दें। लगा लिया आंसर आपने, ठीक, आंसर तो इसका मैं अभी ही बता देता हूं क्या, बलिराम दुबे आजाद। और ये जो बात की जा रही है ये द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जा रही है, ठीक है, किसकी बात की जा रही है, तो द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जा रही है। और बलिराम दुबे आजाद ने कहां पर वानर सेना का गठन किया था, तो इन्होंने रायपुर में क्या किया था, वानर सेना का गठन किया था। अब होता क्या है कि 5 मार्च 1931 को जो महात्मा गांधी रहते हैं उनका एक समझौता होता है भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ, ठीक है, जिसको हम लोग 5 मार्च को होने के कारण 5 मार्च का समझौता, चूंकि समझौता दिल्ली में हुआ था इसलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसके बाद क्या किया जाता है, गांधी जी के द्वारा प्रथम चरण का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको समाप्त किया जाता है। और प्रथम चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के बाद जो लॉर्ड इरविन रहते हैं वो इनको समझाते हैं कि आप क्या कीजिए, अपनी मांगों को लेकर जो गोल मेज सम्मेलन हो रहा है, अभी आपने भारतीय इतिहास में पढ़ा होगा, उसमें और ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता, ठीक है, तो गोल मेज सम्मेलन में क्या कीजिए, आप जाइए वहां पर गोल मेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो गांधी जी अपनी 11 सूत्रीय मांग लेकर कहां पहुंचते हैं, गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचते हैं। लंदन किससे जाते हैं ये, तो लंदन जिस जहाज से ये जाते हैं उसका नाम रहता है एसएस राजपुताना, ठीक है, लंदन जिस जहाज से जाते हैं उसका नाम क्या, तो एसएस राजपुताना जहाज से जाते हैं कौन, गांधी जी जाते हैं द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेते हैं, और भाग लेते हैं जब, तो अपनी 11 सूत्री मांग रखते हैं। लेकिन इनकी जो मांगे रहती है गांधी जी की, वो मांगे क्या हो जाती है वहां पर, अस्वीकार हो जाती है, जिसके उपरांत असंतुष्ट होकर गांधी जी फिर कहां करते हैं, तो गांधी जी पुनः भारत लौटते हैं कब, तो दिसंबर 1932 में, ठीक है, कब, तो दिसंबर 1931 में क्या होते हैं, गांधी जी कहां लौटते हैं, तो गांधी जी आते हैं कहां, फिर से भारत। और भारत आने के उपरांत गांधी जी 3 जनवरी 1932 से पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसमें 3 जनवरी को शुरुआत हो रहा है, और जब शुरुआत होता है इसके तुरंत बाद ही क्या कर लिया जाता है, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं 3000 नेताओं की क्या होती है, गिरफ्तारी होती है, ठीक है, जिससे पूरा देश क्या होता है, आंदोलित होता है। इसके उपरांत जो इसका जो प्रभाव है वो कहां पर पड़ना शुरू होता है, छत्तीसगढ़ में भी पड़ना शुरू होता है, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो सबसे प्रमुख नेता या जो सबसे पहले नेता रहते हैं वो रहते हैं कौन, तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी, ठीक है, कौन रहते हैं, तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह, ठाकुर प्यारे लाल सिंह क्या रहते हैं, तो द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं, प्रथम सत्याग्रही रहते हैं, कहां पर, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, क्या रहते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही रहते हैं, ठीक है। इन्होंने 10 जनवरी 1932 को, ठीक है, कब, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 10 जनवरी 1932 को क्या किया था, तो सरकार की दंडात्मक कार्यवाही का विरोध किया था, जिसके उपरांत क्या किया गया, तो इसके उपरांत ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्लियर है। फिर जब ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की गिरफ्तारी हो जाती है तो इस बारे में इनको पहले से अंदाजा रहता है कि अगर हम क्या करेंगे, यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे तो हमारी गिरफ्तारी होना क्या है, अवश्यंभावी है, गिरफ्तारी तो हमारी होगी ही होगी। तो ये क्या कर चुके रहते हैं, पहले से ही डिटेक्टरों मतलब कार्यवाहकों की नियुक्ति कर दी गई रहती है कि एक गिरफ्तार होगा
तो दूसरा डिटेक्टर आएगा, दूसरा गिरफ्तार होगा तो तीसरा डिटेक्टर आएगा। ऐसा क्या कर दिया गया था? तो कार्यवाहकों की नियुक्ति कर दी गई थी। क्लियर है, समझ आ गया? तो इसके अंतर्गत जो प्रथम कार्यवाहक थे वो कौन रहते हैं? तो प्रथम कार्यवाहक रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, प्रथम कार्यवाहक कौन रहते हैं? तो प्रथम कार्यवाहक रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, कौन रहते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल जी क्या रहते हैं? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी प्रथम कार्यवाहक बनते हैं। ठीक है, 14 जनवरी 1932 को आंदोलन को गतिशील रखने, ठीक है, इन्हें क्या किया गया था? तो इन्हें कार्यवाहक नियुक्त किया गया था। ठीक है, और ये क्या करते हैं फिर? जो पंडित रविशंकर शुक्ल रहते हैं ये एक समिति का गठन करते हैं जिसका नाम रहता है संघर्ष समिति। और इसी संघर्ष समिति के माध्यम से जो पंडित रविशंकर शुक्ल रहते हैं वो पेशावर दिवस मनाते हैं 29 जनवरी 1932 को। ठीक है, कब? 29 जनवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल क्या करते हैं? पेशावर दिवस मनाते हैं। अभी पेशावर दिवस क्या है? तो जो पेशावर दिवस है आपका, ये उस समय के अंतर्गत जो पेशावर क्षेत्र था, भारत का पेशावर क्षेत्र, ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान का है, अब भविष्य में फिर से भारत का होगा। ये हमारा जो एक अयोग्य हमारा पुत्र है, क्या करें, ठीक है, लड़ झगड़ कर क्या कर लिया, तो प्रॉपर्टी ले लिया अपने बाप से। अब प्रॉपर्टी ले लिया लेकिन वो प्रॉपर्टी को चला नहीं पा रहा है, हरामखोर हमारा बेटा। ठीक, तो इस हरामखोर बेटे को क्या करेंगे हम? दो चार झापड़ लगाएंगे। अभी एक दो झापड़ तो लगा चुके हैं, अभी अच्छा खासा चार झापड़ लगा चुके हैं, और चार झापड़ के बाद थोड़ा बहुत ऐसा सहलाए भी हैं, एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके, लेकिन मान नहीं रहा है ये। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा? हमारे छत्तीसगढ़िया स्टाइल में डंडा से डंडा में कूटना पड़ेगा। ठीक है, तब क्या होगा? फिर से इसका दिमाग ठिकाने पर आएगा, दिमाग ठिकाने पर आएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये शामिल हो जाएगा। तो उस समय का भारत, वर्तमान का पाकिस्तान के अंतर्गत क्या आपका? पेशावर। और उस पेशावर में क्या किया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा एक दमनात्मक कार्यवाही की गई थी जिसके विरोध में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल ने जो संघर्ष समिति गठित की थी उसके माध्यम से क्या किया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने उसके माध्यम से पेशावर दिवस मनाकर क्या किया? अपना विरोध प्रदर्शन किया था। कहां पर? तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रायपुर में। ठीक है, और यहां पर जैसा कि हमने पहले चरण के अंतर्गत देखा था कि आंदोलन में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, पोस्टर एवं पर्चे बांटने के लिए, जुलूस निकालने के लिए क्या किया गया था? छोटे छोटे बच्चों का एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम क्या था? वानर सेना था। ठीक है, और उसी वानर सेना को दूसरे चरण के अंतर्गत कहां पर गठित किया गया? रायपुर में। और रायपुर में इसके संस्थापक कौन? तो बलिराम दुबे आजाद। बलिराम दुबे आजाद की उम्र मात्र 14 वर्ष रहती है। ठीक है, कितने वर्ष रहती है? मात्र 14 वर्ष रहती है। क्या बलिराम दुबे आजाद की आयु जब क्या करते हैं वो? तो वो जब वानर सेना का गठन करते हैं, उनके अध्यक्ष बनते हैं, तो इनकी आयु मात्र 14 वर्ष रहती है। और 14 वर्ष में आप क्या करते हैं? तो अभी के बच्चे तो हम लोग तो जब थे 14 वर्ष में तो हम लोग क्या करते थे? तो हम लोग ज्यादा ज्यादा रेस टिप खेल लेते थे, है ना, और क्या खेल लेते थे? क्रिकेट खेल लेते थे, इधर उधर भागम भाग खेल लेते थे, गिल्ली डंडा खेल लेते थे, डंडा पिचरंगा खेल लेते थे। और अभी के लोग तो कुछ नहीं खेलते हैं भैया, अभी के लोग सिर्फ क्या करते हैं? मोबाइल खेलते हैं। मोबाइल से ना आगे कुछ दुनिया है ना पीछे कुछ दुनिया है, ऐसी जिंदगी है अभी के बच्चों की। तो ये क्या कर दिए थे? जो बलिराम दुबे आजाद जी थे वो 14 वर्ष की आयु में वानर सेना के गठन करके उसके अध्यक्ष बन गए थे। वानर सेना के गठन के कारण, पोस्टर पर्चे बांटने के कारण, जुलूस निकालने के कारण, जो आज वर्तमान का जो हमारा रायपुर है, रायपुर के अंतर्गत जो ब्राह्मण है, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? पुलिस के द्वारा बलिराम दुबे आजाद की क्या की जाती है? पिटाई की जाती है, और इनको गिरफ्तार करके 9 माह की सजा भी दी जाती है, जिसके कारण ही जो आज वर्तमान के अंतर्गत रायपुर का जो ब्राह्मण पारा है उसके अंतर्गत जो आजाद चौक है उसका नाम जो है किस पर समर्पित है? तो बलिराम दुबे आजाद जी पर समर्पित है। ठीक है, उसको आप लोग चंद्रशेखर आजाद जी नहीं लगाइएगा। क्लियर है, वो किस पर समर्पित है? तो बलिराम दुबे आजाद जी के नाम पर समर्पित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसके द्वारा रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? केतकी बाई के द्वारा, राधा बाई के द्वारा, लक्ष्मी बाई के द्वारा, मंटोरा बाई के द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो इसका आंसर है आपका राधाबाई। ठीक, किसके द्वारा किया गया था? तो राधाबाई के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, क्योजा बाई को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था? विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना, असहयोग आंदोलन के तहत जंगल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत चरखा काटने हेतु। किस कारण ये जो मंटोरा बाई थे, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, केजा बाई को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। तो बताओ मोर, मंटोरा बाई हो, कोजा बाई हो, भुटकी बाई हो, फुटेनिया बाई मन, जल्दी बताओ आंसर, काबर गिरफ्तार करे गिरी से मन ला, नहीं फिर तुम्हारे मन के नाम का रखू मैं है, मंटोरा बाई, कोजा बाई, भुटकी बाई रखू, समझ गए? और आज के वीडियो बिल्कुल लाइव में मैं आके देखूं, अगर कोनो नहीं जेन जेन गलत बताई तेखर तेखर नाम ला मैं का रखू, मंटोरा बाई, भुटकी बाई, फुटेनिया बाई रखू। ठीक, पहली जेन गलत बताई तेखर नाम मंटोरा बाई, दूसरा जेन गलत बताई तेखर नाम मुटकी बाई, और तीसरा जेन गलत बताई तेखर नाम फुटेनिया बाई। वो आगे क्रम चलत रही, ठीक है, और ये पुनरावृत्ति में चलत रही। ठीक है, जितना जन गलत बता जाही तेखर मन के नाम इसने फिर का हो जाही, बलहर जाही। आज मैं एखर रिप्लाई जरूर करूँ। ठीक है, कोई भी गलत बताही ओखर नाम के आगू लिख के भेजू मैं, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई, इसे के। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है, जल्दी लगाओ, कोई लगा नहीं रहा है क्या इसी कारण नाम बढ़ जाएगा करके? अरे ले लगाओ मत, कौन समय देखे हो तुम, ले लगाओ चलो। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना देने के कारण जो हमारे मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई और कोजा बाई हैं, इनको क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ, जल्दी बताएं? रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ? 29 मार्च 1932 को, 29 जनवरी 1932 को, 20 जनवरी 1932 को, 20 मार्च 1932 को, जल्दी बताएं। अभी जस्ट मैंने बोला था, अभी मैंने बताया था कि रायपुर में पेशावर दिवस क्यों मनाया गया, कब मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया। ठीक है, सब बताया था। तो कब मनाया गया था? तो 29 जनवरी 1932 को क्या किया गया था? तो रायपुर में पेशावर दिवस मनाया गया था। ठीक है, क्या मनाया गया था? पेशावर दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा? तो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। ठीक है, किसके माध्यम से? तो अपने संघर्ष समिति के माध्यम से। क्यों? तो वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत जो पेशावर शहर है उसमें क्या किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा एक बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की गई थी, जिसके कारण क्या किया गया था? पेशावर दिवस मनाया गया था। अगला, कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटना एवं तिथि सुमेलित नहीं है? क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में हाई स्कूल पर झंडा फहराना 14 अगस्त 1930, रायपुर में किसान सम्मेलन 10 जनवरी 1932, गांधी जी द्वारा रायपुर में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन 23 नवम्बर 1933 और रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन 29 जनवरी 1933। हमको क्या छाटना है? सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं। 29 जनवरी 1933, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन, ठीक है, इसको 32 कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना इसको, ये मिस प्रिंट हो गया है, इसको 1932 कर लेना, 29 जनवरी 1932 कर लेना इसको, क्लियर है? तो अभी हमको पता है कि 29 जनवरी 1932 को क्या किए थे हम, तो रायपुर में पेशावर दिवस मनाए थे। क्लियर है, क्या किए थे? तो रायपुर के अंतर्गत हमने क्या किया था? तो हमने पेशावर दिवस मनाया था। कब? तो 29 जनवरी 1932 को रायपुर में हमने क्या किया था? तो पेशावर दिवस मनाया था। ठीक है, गांधी जी अभी जब दूसरी बार छत्तीसगढ़ यात्रा में आएंगे तब उनके द्वारा क्या किया जाता है? स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाता है 23 नवंबर को, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे आज नहीं पढ़ाऊं भाई वाला, मैं काली पढ़ाऊं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, रायपुर में किसान सम्मेलन 10 जनवरी 1932 और क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर हाई स्कूल में झंडा फहराना, तो इसको हमने देखा था कि ये कब हुआ था? 16 अगस्त को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 16 अगस्त को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका आंसर हो जाएगा, क्रांति कुमार भारती के द्वारा बिलासपुर हाई स्कूल में झंडा फहराना। ठीक है, क्या आपका? तो ए, 16 अगस्त को फहराया था, देखे थे हम, क्लियर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में गतिविधि एवं नेतृत्व सुमेलित नहीं है? 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस पंडित रविशंकर शुक्ल, फरवरी 1932 में रायपुर में वानर सेना का गठन बलिराम आजाद,
फरवरी 1932 में बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों के दुकानों के समक्ष धरना ठाकुर छेदीलाल, मार्च 1932 में दुर्ग में नमक कानून का उल्लंघन घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। जल्दी से अपना आंसर दें, कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा था ये तो सुमेलित है, पेशावर दिवस पंडित रविशंकर शुक्ल, फरवरी 1932 में रायपुर में वानर सेना का गठन किया गया बलिराम दुबे आजाद के द्वारा, यह कथन भी सही है। दूसरे चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया था ना, किसके द्वारा, तो बलिराम दुबे आजाद के द्वारा। प्रथम चरण में कहा हुआ था रायपुर में, किसके द्वारा, तो वासुदेव देव रस के द्वारा। फरवरी 1932 में बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष धरना ठाकुर छेदीलाल, ये कथन भी बिल्कुल सही है। दूसरे चरण का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें ठाकुर छेदीलाल जी के द्वारा क्या किया गया था, धरना प्रदर्शन किया गया था विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष, और मार्च 1932 में दुर्ग में नमक कानून का उल्लंघन, यह कथन क्या है, गलत है। इसलिए क्या होगा आपका आंसर होगा, क्लियर है, समझ में आ गया, कुछ डाउट नहीं है, होगा तो पूछ लेना। आगे अब जब हम लोग कल अपना टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम लोग शुरू करेंगे महात्मा गांधी के द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा से। क्लियर है यहां तक, किसी कुछ डाउट, ठीक नहीं है किसी को डाउट, तो मिलथन फिर हमन कब, तब कल अगला वीडियो के साथ में। तब तक के लिए का धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।